कहिए। आप बहुत बड़े ज्ञानी हो जी, और मेरे कुछ प्रश्न हैं आपसे। जिस प्रकार आप ये कॉम्बिनेशन देख रहे हो भाई, यो चेला बड़ा गुरु छोटा, पंडित मांगेराम में लक्ष्मीचंद में भी यो बात थी। पंडित मांगेराम 2 साल बड़ा था लक्ष्मीचंद थे, लेकिन गुरु था लक्ष्मीचंद उसका। मेरे कुछ सवाल है। हाँ, क्या आप उनके जवाब दे सकते हो? मैं सवाल सुनना चाहूंगा पहले, अगर मुझे समझ में आए तो मैं देने की जरूर कोशिश करूंगा। कोशिश करोगे? बिल्कुल। तो सुनिए मेरे सवाल। हाँ बिल्कुल, खोल के बताइए। हाय गुरु जी, ज्ञान लड़ेगा और जोर पड़ेगा। सवाल सुनना, शायद आपने कदी इसे सवाल नहीं सुने होंगे। किस प्रकार से आइए भाई। बे माता की मात बता दे, बे माता की मात बता दे, बे माता की मात बता दे, सास बता दे गोरा की, शिव शंकर का गुरु बता, फिर बात करूंगा और की, शिव शंकर का गुरु बता, फिर बात करूंगा और की। वा अष्टभुजी किसकी पुत्री, जिन करी सहायता चोरा की, उस साधु का नाम बता, जिन करी सवारी मोरा की, उस साधु का नाम बता, जिन करी सवारी मोरा की। हाय गुरु जी, पानी में आग लगा दे, कोई कावड़िया ही गा दे। गुरु जी मेरी बात सुनो। हाँ, एक बार अपने सवाल दोबारा दोहराओ। के बे माता की मात बता दे, सास बता दे गौरा की। गोरा मतलब पार्वती की सास कौन है, बी माता की मात कौन है। हाँ, और आगे बताओ। शिव शंकर का गुरु बता, फिर बात करूंगा और आकी। शिव जो कि पूरी पृथ्वी का, पूरी सृष्टि का, पूरे संसार का गुरु है, उसका गुरु कौन है? अष्टभुजी किसकी पुत्री, जिन करी सहायता चोरा की, और उस साधु का नाम बता, जिन करी सवारी मोरा की। सवारी मोरा की। हाँ, तो जवाब सुन ले अपने। कह दे, सुन ले। बे माता की मात गायत्री, बे माता की मात गायत्री, बे माता की मात गायत्री, अनुसुईया सास गोरा की। गायत्री माता? हाँ, अनुसुईया सास गोरा की। कैसे? अनुसुईया सास गोरा की कैसे? हाँ, एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए सती अनुसुईया की कुटी में पहुंचे, और जाके साधु के वेश में अलख जगाई। अनुसुईया माता बाहर आई और बोली, कहिए साधु जी क्या चाहते हैं आप? तो सजनो, ब्रह्मा विष्णु महेश जो की साधु के वेश में बने हुए थे, उन्होंने ये शर्त रखी कि माई, हम आपके हाथ से भिक्षा जब लेंगे, आप नगन होके पूरे कपड़े वस्त्र अपने सारे लत्ते उतार के हमें भिक्षा दोगी, तो हम आपके हाथ से दान लेंगे, वरना उल्टे चले जाएंगे, आपको पाप लगेगा। तो सजनो, सती अनुसुईया ने इतनी बड़ी सती थी, अपने सत धर्म के तेज से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनू देव 6-6 महीने के बच्चे बना दे, बच्चे बना के और पालने में लिटा के अपनी दूधी प्या दी। इस प्रकार धर्म की माता उनकी अनुसुईया हुई, चूंकि ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश शिव जी को कहते हैं, तो शिव जी की सासु पार्वती की सासु अनुसुईया कहलाई। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, और बूझ सुन ले। अरे बे माता की मात गायत्री, अनुसुईया सास गोरा की, शिव शंकर का गुरु अंगीरा, बात करे ने तू ओरा की। अष्टभुजी
अरे अष्टभुजी ब्रह्मा की पुत्री जिन करी सहायता चोरा की। बालकनाथ बालकनाथ ऐसा साधु जो करे सवारी मोरा की। बालकनाथ ऐसा साधु करे सवारी मोरा की। अरे गुरु ने हो गुरु ने ज्ञान कबाग लगाया। मने भोले सभा में गाया। ओए होए ओए। भाई बाप के ब्याह में बना बिचोला। अरे बाप के ब्याह में बना बिचोला। वो लड़का कितने आया कर राक्षस का बेस देवता। कौन से युग जी मने आया उड़े अनधन के भंडार भरे। वो छिका नहीं भूखा ठाया। पिरले कितनी बारिश होगी पीवन ने ना जली पाया। पिरले कितनी बारिश होगी पीवन ने ना जले पाया। हाय गुरु जी बेली धरा में कीला के कोई बावनिया ही गाते। हो गुरु जी इसे चमत्कार की बात आपने नहीं सुनेगी सुनी होगी के बाप के ब्याह में बना बिचोला। वो लड़का कितने आया वाह कर राक्षस का भेष देवता। कौन से युग जी मनाया अनधन के भंडार भरे। वो छिका नहीं भूखा ठाया। और पिरले कितनी बारिश होगी पीवन ने ना जल पाया। बता दे गुरु जी भेद। बड़े कठिन सवाल है बिल्कुल पर मन ने भी तो असली मानी है। अच्छा सुन ले तेरे सवाल का जवाब दे। अरे बाप के ब्याह में विषम बिचोला। विषम बिचोला विषम बिचोला न्यू। विषम का पिता था शांतनु। शांतनु एक दिन नदी के पार घूमने के लिए गया था तो एक मल्ला एक नाविक की बेटी थी जिसका नाम था सत्यवती। उसके ऊपर आशिक हो गया और उस नाविक से जाके कहता है कि अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा। नाविक कहता है कि महाराज आपके तो पहले ही आपका बड़ा लड़का है भीषम। मेरी लड़की मैं आपके साथ विवाह तो कर दूंगा लेकिन कल को मेरी लड़की की जो संतान होगी वो तेरा जो संतान जो पहले तेरा बड़ा बेटा भीषम है वो तो बनेगा राजा। और मेरी जो बेटी की संतान होगी वह न्यू नौकर ना कर बनेगी मैं नहीं करूंगा ब्याह। दुखी होकर शांतनु घर आ गया। भीषम ने अपने बाप तो पूछी नू बाप क्या बात है तो उसने बताई कि न्यू बात है सर। नो भीषम गया और जाकर उस नाविक से बात करी और उसी दिन ये प्रण लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और जो भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर होगा मैं हस्तिनापुर का सिंहासन का सदैव गुलाम रहूंगा। और अपने बाप का ब्याह वो करके लाया था बिचोला। बिल्कुल सच्ची बात है। ओए बाप के ब्याह में विषम बिचोला। बाप के ब्याह में विषम बिचोला। जो देवलोक ते चल आया कर राक्षस का भेष गणेश सतयुग में जी मने आया। कर राक्षस का भेष गणेश सतयुग में जी मने आया। उड़े अन्न देवता की हार होई वो छिक्या नहीं भूखा ठाया। पर ले कितनी बारिश होगी पीवन नना चले पाया। पर ले कितनी बारिश होगी पीवन नना चले पाया। हाय गुरु ने पेड़े दरम में काला आया। मने भोले सभा का।
सभी नाम पहले 100-100 रुपए से और आदरणीय मेरे फूफा जी शिवरतन यादव जी मान सम्मान करते हैं, इनका तहे दिल से धन्यवाद। हाँ और भी सवाल है तेरे गुरुजी, अभी तो बहुत साधारण सवाल थे। अच्छा और भी कठिन सवाल बूझ, और भी कठिन आते रहेंगे अभी तो। अच्छा हाँ तो बूझ फिर अगले सवाल के। मेरी बात भाई, उस लड़के का नाम बता, उस लड़के का नाम बता जो ना माता के पेट पड़ा, मात पिता ना संग के साथी, बे माता ने नहीं घड़ा। जन्म होवते ही करी लड़ाई, सन्मुख ना कोई हुआ खड़ा, जे जेकार हुई किस युग में, देवलोक में जिकर छिड़ा। मन का भरा में मिटा दे कोई बावड़िया ही गाजे, हाय गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई बावड़िया ही गाजे। भाई मांगेराम ये सवाल तो तेरे वास्तव में बड़े दुर्लभ थे के उस लड़के का नाम बता जो ना माता के पेट पड़ा, मात पिता ना संग के साथी, बे माता ने नहीं घड़ा। मतलब मात पिता को कोई मेल जोड़ हुए बिना, बिना गर्भ के भी कोई लड़का जन्म ले गया। बिल्कुल। अच्छा जन्म होते करी लड़ाई ना कोई सन्मुख हुआ खड़ा, मतलब पैदा हुए ते ही लड़ाई कर दी। बिल्कुल। और जय जयकार हुई किस युग में, देवलोक में जिक्र छिड़ा। तो ऐसा तो एक ही लड़का हुआ है। कौन बताऊंगा सुन ले। अरे उस लड़के का नाम गणेश जो ना माता के पेट पड़ा, मात पिता न संग के साथी, बे माता ने नहीं गड़ा। उकी गोरा मान करी घड़ाई, बे माता ने नहीं घड़ा। एक बार पार्वती माता की नहाने की इच्छा उत्पन्न हुई तो उस टाइम एक गुफा में बढ़ के पार्वती माता नहाने लगी। गुफा का कोई दरवाजा या कोई ऐसा सिस्टम नहीं था तो पार्वती मैया ने अपने शरीर का मैल मिला के, अपना शरीर का मैल उतार के, और जो पीली मिट्टी, पंडित जी आज भी कोई हवन कोई शुभ सामग्री कोई पूजा पाठ करते हैं तो पीली मिट्टी जो लेते हैं वो उसी लेते हैं, पीली मिट्टी और अपने मैल का मिश्रण करके एक पुतला तैयार करा, उसमें जान फूके जिसका नाम था गणेश। पार्वती भीतर नहाने लगी। थोड़े दिन बाद, थोड़ी देर बाद शिव शंकर भोलेनाथ जी आए, आके उससे कहने लगे कि भाई हट, मैं गुफा में जाना चाहता हूँ। वो जानता नहीं था कि ये कौन है, मैं नहीं जान दूंगा। बड़ी तगड़ी घमासान युद्ध होया और घमासान युद्ध होने के बाद में शिव सेना पूरी हरा दी गणेश ने, लेकिन अंत में शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल से जो सिर काटा था वो गणेश ही था। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। ओए उस लड़के का नाम गणेश जो ना माता के पेट पड़ा, गोरा मान करी घड़ाई, बे माता ने नहीं घड़ा। उन जन्म होते ही करी लड़ाई, ना कोई सन्मुख हुआ खड़ा, जय जयकार जय जयकार होन लागी फिर, देवलोक में जिक्र छिड़ा। एक का मतलब, एक का मतलब ओम, दो, दो का मतलब जमीन और आसमान, तीन, तीन लोक, चार वेद, पांच तत्व, छह शास्त्र, सात दीप, आठ वसु, नौ खंड, दस इंद्री, ग्यारह रुद्र, बारह सूर्य, तेरह रतन, चौदह भवन, पंद्रह तिथि, सोलह सिंगार, सत्रह विषय, अठारह पुराण, उन्नीस उपनिषद और बीस, बीस विश्वे बीस भगवान। अगर अच्छे लगे तो जोरदार ताली बजाएं। मान गया गुरु भाई, मान गया गुरु जी। अच्छा हाँ और भी सवाल रह गए, थोड़े से और सवाल रह गए, कर वे भी कर सुन लेते। हाँ। 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 हाँ।
लड़की का चोला पाया, ओई जवान पड़ी जरूरत, पति मोह देना ब्याह करे वाया। ओई जवान पड़ी जरूरत, पति मोह देना ब्याह करे वाया। भाई उस लड़की का नाम बता, जिन एक पल में पुत्र जाया, पति की सेवा करने लागी, पुत्र का सर तरे वाया। पति की सेवा करने लागी, पुत्र का सर तरे वाया। हे श्री लख मी चांद ने समझा दे कोई सवाल कई ऐसे हो जो अड़बड़ाट में मन सुने कोने, एक बार फिर दोहरा अपने सवाल। अपनी इच्छा से प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया, मतलब पहले कोई जीव था अपनी इच्छा से मर के फिर लड़की बन गई। बिल्कुल। अच्छा, वही जवान पड़ी जरूरत, पति मोहते ना ब्याह करवाया। उस लड़की का नाम बता जिन्हें एक पल में पुत्र जाया। पुत्र होने की प्रक्रिया को लगभग 9 महीने लगते हैं, लेकिन ऐसी लड़की कौन जिसने एक पल में पुत्र पैदा कर। बिल्कुल। और पति की सेवा करन लागी, पुत्र का सर तरवाया। सुनो ये बात उस टाइम की है कि जब कौरव पांडवों ने युद्ध लड़ा, पांडवों ने युद्ध जीत लिया, तो पांडवों ने युद्ध जीतने के बाद में एक अश्वमेघ यज्ञ करा, जिसमें दुनिया के सभी ऋषि मुनि, सभी महात्मा, 33 करोड़ देवी देवता सारे बुलाए, सबको न्योता लिया, सबको न्योता दिया कि भाई आज आपको जिमाया जाएगा, आपका भोजन कराया जाएगा। अश्वमेघ यज्ञ में सभी बुला लिए, लेकिन एक आदमी नहीं बुलाया। दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य, वो एक आंख तक काना था, वो नहीं बुलाया। अब वो गुस्सा हो गया कि अगर मुझे नहीं बुलाया, सजनों बाज का रूप, बाज का रूप बना लिया शुक्राचार्य ने, जो दैत्यों का गुरु था, बाज का रूप बना के, अरे एक जहरीला सांप अपने पंजों में दबाया, और जो ऋषि वो खीर का प्रसाद बना रहे थे ऊपर कूदता जा रहा, और जो सांप था वो खीर में डाल कर पूरी खीर जहरीली बना दी। उस टाइम ऋषि मुनि और जितने भी लोग थे सब अपने काम में व्यस्त थे, किसी ने भी सांप नहीं देखा, खीर में पड़ गया। एक जीव देख रहा था सजनों, एक मींड की ऊपर बैठी बैठी देखे कि सांप गिर गया, और ये ऋषि खीर खाओगे सारे के सारे मरेंगे, बहुत बड़ा पाप लगेगा। जब वे ऋषि प्रसाद लेने के लिए उस कढ़ाई के पास आए सजनों, मींड की नून के सामने उबलती खीर में, गरम गरम खून में, खीर में कूद के ऋषियों के सामने अपने प्राण त्याग दिए। ऋषियों ने बड़ी गालियां दी, नुक दे कितनी निर्भाग मिंड की थी, सारा खीर का प्रसाद बेकार कर दिया। कोसने लगे, पन्नु के कर दिया तो कर दिया, अब क्या करा जा। एक खड्डा खोद के वो खीर दबाने लगे, तो मिंडकी के शरीर के साथ साथ वो सांप का शरीर भी लिख गया। सब न माथे माथ मारा रहे, इस मिंडकी ने थारी जान बचाई। एक ऋषि बोला कि न्यू जटा बढ़ाए अंडो हो कि मैं जादू मंत्र कुछ जानो भी हो, रईस ने थारे खातर प्राण त्यागे, कोई ईशा काम करो क्या मींड की यो दोबारा जीवती हो जा। चूंकि वो खीर में पड़ी थी, वो मींड की आला सारा शरीर जल बुंद गया था, सारा खराब हो गया था, तो उसको उस लड़की, उस जो मींड की का जो खराब शरीर था, उसको एक घड़े में दबाया। 9 महीने के बाद जब वो घड़ा खोला सजनो, उसमें एक लड़की के रूप में वो मींड की ने जन्म लिया। सप्तऋषि उसकी पालन पोषण और उसको उसकी सेवा करते, उसको पालते पोसते, जवान हो जाती है वो मींड की जो लड़की बनी थी, जवान होगी सजनो। उन सप्त ऋषियों के पास में लंका का राजा रावण शिक्षा दीक्षा लेने के लिए आया करता। लड़की के और रावण के प्रेम संवाद आपस में नैन मटका हो गए, आपस में प्रेम संवाद हो गया, तो जो लड़की थी जो मींड की बनी थी वो गर्भवती हो जाती है। ऋषियों ने पूछा कि किसका पाप है, तो सुनो उस लड़की ने, मंदोदरी नाम था उसका, उसने न्यू कह दी कि रावण का है, तो रावण के साथ जबरदस्ती मंदोदरी का विवाह कर दिया। रावण मंदोदरी को अपने पुष्पक विमान में बैठा के लेके जा रहा था लंका, लेकिन रास्ते में एक बात सोची कि कुंवारी के यो लड़का हो गया, यो इसके पेट में गर्भ है, काल न तू लंका जागा, लोग इसने देखेंगे, नू कहेंगे पता नहीं किसका पाप लिया है। सरनो रावण में खूबी थी के अगर वो जब जोर का दाड़ मार का शा करता, औरता के गर्भ गिर जाया करते, किस किन्दा पर्वत पाके जोर के दाड़ मार का शा वो गर्भ वहीं गिर गया, एक पल में पुत्र हो गया। बाद में वो गर्भ किसको जाकर मिला, किसको जाकर मिला,
और वो जो गर्भ गिरा था उस पर्वत, उसका आगे चल के नाम पड़ा वो बात बताऊंगा, आपने सुनिए। एक बार और पूछ। अपनी इच्छा ते प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया, हुई जवान पड़ी जरूरत, पति मोते ना ब्याह करवाया। उस लड़की का नाम बता जिने एक पल में पुत्र जाया, पति की सेवा करने लागी पुत्र का सर तरे वाया, पति की सेवा करने लागी पुत्र का सर तरे वाया। हाय श्री लख मी चंद ने समझा दे कोई गावनिया ही गाते। अब मैं जवाब देता हूँ, सुने। हाँ। एक मिंडकी ने प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया, हुई जवान पड़ी जरूरत, पति मोते ना ब्याह करवाया। बात जबरन ठाई दहाड़ लगाई, एक बार फिर सुन ले मेरी बात। हाँ। एक मिंडकी ने प्राण त्याग दिए, उसका कारज सिद्ध हो गया, मंदोदरी रूप में जन्म में लिया, फस मुँह में रावण मते हो गया। वा जबरन ठाई दाड़ लगाई, एक पल में अंगद हो गया। जो किष्किंधा पर्वत पे वो गर्भ गिरा था, आगे वो लड़का चाल के प्रसिद्ध होया, जिस नाम से उसका नाम था लोगो अंगद, जिसका रावण पे पाँ भी नहीं उठा, नू लोग नहीं कहा करते अगर अंगद कैसा पाँख होने, वो ही अंगद था। वा जबरन ठाई दाड़ लगाई, एक पल में अंगद हो गया, रण क्षेत्र में नाटी थी कटिया, उस चित्र का वसे हो गया, रण क्षेत्र में नाटी थी कटिया, शीश पुत्र का वसे हो गया। ओ गुरु ले लित ने भे गुरु जी।